हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी, काफ़ी ठीक हो आप अपनी जगह। जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी प्रिपरेशन। तो चलिए, आज बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर की जो सीरीज़ चल रही है उसी की कंटिन्यूटी में 7th एंड 8th जनवरी के हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हाँ, एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जो यूपी जुडिशरी की वैकेंसीज हैं वो काफ़ी जल्दी आने वाली है। 96 वैकेंसीज कुछ आ रही हैं यूपी के अंदर, जैसा कि न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कहीं पे। 96 वैकेंसीज आपकी शायद फाइनलाइज्ड हुई हैं जो यूपी के अंदर डिक्लेयर की जाएंगी जुडिशरी की। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन कर लीजिए, अच्छी वाली प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा टाइमली। तो चलिए, आज की हमारी वीडियो डिस्कस करते हैं। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो करंट अफेयर है। बेसिकली यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमपी के लिए भी। काफ़ी सारे स्टेट जुडिशरी हैं जहाँ करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनी अदर एग्जाम अगर आप दे रहे हो वहाँ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट ये थोड़ा एक जुडिशरी परस्पेक्टिव से हमारी वीडियो होती है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, 7th एंड 8th जनवरी के करंट अफेयर्स हैं ये, और जो फर्स्ट करंट अफेयर है हमारा वो है पीएम मोदी टू इनॉग्रेट एंड डेडिकेट टू द नेशन 306 किलोमीटर न्यू रिवाड़ी न्यू मदर सेंक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये जो हरियाणा और राजस्थान को जोड़ने का काम करेगा, ये एक आपका कॉरिडोर। द न्यू सेक्शन सिचुएटेड इन हरियाणा एंड राजस्थान कंसिस्ट ऑफ 9 न्यूली बिल्ड स्टेशन। पीएम मोदी विल ऑल्सो फ्लैग ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल। ये जो वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन हर्ल्ड बाय इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन फ्रॉम हरियाणा अटेली टू किशनगढ़ इन राजस्थान। तो ये पहली दुनिया की वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल होगा 1.5 किलोमीटर का, जहां आपकी एक जो ये ट्रेन चलाई, ट्रेन हॉल्ड बाय इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन फ्रॉम हरियाणा टू आपकी राजस्थान में जाएगी। और वेस्टर्न जो ये आपका डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ये है टोटल 1504 किलोमीटर, एंड ईस्टर्न जो आपका डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है वो है 1856 रूट किलोमीटर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजन सीईओ जेफ बियॉन्स बेजोस, बेजोस नाम है इनका शायद, क्या नाम है देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन, टॉप्स लिस्ट ऑफ बिगेस्ट चैरिटेबल डोनेशंस इन 2020 विद $10 बिलियन क्लाइमेट चेंज डोनेशन। तो ये इन्होंने टॉप किया है कि डोनेशन के, चैरिटेबल डोनेशन के नाम में। ही यूज्ड द कंट्रीब्यूशन टू लॉन्च बेजोस अर्थ फंड विच सपोर्ट्स नॉन प्रॉफिट्स इन्वॉल्व इन द क्लाइमेट क्राइसिस एंड हैज पेड आउट $790 मिलियन टू 16 ग्रुप सो फार। द क्रोनाइज साइल ऑफ फिलेंथेरोपी लिस्ट आर बेस्ड ऑन द 10 लार्जेस्ट पब्लिकली अनाउंस्ड गिफ्ट एंड जुकरबर्ग एंड हिज बाइक वाइफ वर फोर्थ ऑन द लिस्ट। जुकरबर्ग जो आपके फेसबुक के फाउंडर हैं वो और उनकी जो वाइफ है वो फोर्थ हैं इस लिस्ट के ऊपर डोनेशन के मामले में। और जो अमेजन के सीईओ हैं ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी थे बट अब नहीं है, जेफ बेजोस, इन्होंने टॉप किया लिस्ट में। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस हिमा कोहली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जुडिशरी एग्जाम। जस्टिस हिमा कोहली बिकम्स फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। गवर्नर तमिलसाई साउंड राजरन हैज एडमिनिस्टर्ड द ऑथ ऑफ ऑफिस टू जस्टिस हिमा कोहली। शी इज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, वुमन जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस है। विच वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द हैदराबाद हाईकोर्ट फॉर द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ऑन January 1, 2019। एंड जो तमिलिसाई सुंदर रंजन इज स्टेट फर्स्ट वुमेन गवर्नर है ये आपकी, ये गवर्नर भी पहली फीमेल है और आपकी जो चीफ जस्टिस है तेलंगाना हाईकोर्ट की वो भी ये फीमेल है आपकी, जो कि है हिमा कोहली, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है तेलंगाना की, जो अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल इनॉग्रेट्स 2-डे वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एडुकॉन 2020। थीम जो है इसका वो है थीम एनवेसाइजिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, ऑर्गेनाइज बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन कोलाबोरेशन विद ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉन्फ्रेंस इन इंडिया विद नॉन स्टॉप मैराथन सेशंस। Scholars across world will be discussing the theme for 31 hour. Basically 31 hour तक ये चली थी आपकी, जो अभी इन्होंने एडीकॉम के नाम से ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड करवाई थी, जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने, और इसको ऑर्गेनाइज किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने, और थीम इसकी यहाँ पे मैंशन की हुई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिस सुधांशु ढुलिया
अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड श्री जस्टिस सुधांशु ढूलिया जज ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट. और जो मिनिस्टर हैं आपके लॉ एंड जस्टिस के, वो रविशंकर प्रसाद. तो अब जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं सुधांशु ढूलिया, जो कि पहले आपके जज थे उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर. नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. एलन मस्क ओवरटेक्स अमेज़न्स जेफ बेज़ोस टू बिकम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन. ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने डिक्लेयर कर दिया फाइनली कि जो एलन मस्क हैं वो आपके वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं. पहले आपके जेफ बेज़ोस थे जिनको इन्होंने ओवरटेक कर लिया है. एलन मस्क हैड ए नेट वर्थ ऑफ मोर देन $188 billion $1.5 बिलियन मोर देन बेज़ोस हु हैज हेल्ड द टॉप स्पॉट सिंस अक्टूबर 2017. अक्टूबर 2017 से आपके जो जेफ बेज़ोस थे वो थे, अब यहाँ पे आपके एलन मस्क हो गए. चाइनाज जोंग साशान वाज वैल्यूएटेड पास्ट वॉफन बफेट टू क्लेम सिक्स स्लॉट आफ्टर शेयर्स ऑफ हिज बॉटल्ड वाटर कंपनी सर्च. मस्क जो एलन मस्क है उन्होंने फाउंड की है कंपनी, बहुत जबरदस्त कंपनी है ये स्पेस एक्स, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, बहुत ही एक एडवांस्ड कंपनी स्पेस एक्स. टेस्ला के बारे में आप सब जानते हो, एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर जो रिवोल्यूशन लेके हैं वो टेस्ला है, बहुत अल्टीमेट गाड़ियां बनाती है दी बोरिंग कंपनी एक्सेट्रा. तो काफी एक आप कह सकते हो बहुत ब्रिलियंट पर्सन है, मैं तो खुद पर्सनली इनको बहुत फॉलो करता हूँ एलन मस्क को. आप भी इनके बारे में एक बार पढ़िए, देखिए इनको, मतलब अमेजिंग पर्सन यार ये, मतलब कुछ अलग ही इंसान. नेक्स्ट देखिए, ओके तो यही था बेसिकली आज हमारे सेवन्थ और एट के ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ नहीं थे, कुछ चीफ जस्टिस वाले, एक हेमा कोहली वाला था आपका और एक आपका सुधांशु ढूलिया वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको अपॉइंट किया गया और तेलंगाना की फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेलंगाना की फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस कौन है, हेमा कोहली, जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी रिविजन कंटिन्यू रखिए और संडे को आपका सीपीसी का टेस्ट है, उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. मॉक टेस्ट YouTube चैनल लीगल पाठशाला के ऊपर लाइव होगा आपका, मॉर्निंग में 10:30 पे आपका लाइव हो जाएगा और 10:45 पे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, अपनी प्रिपरेशन देखिए, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए. और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर BCI 3 years लेके आ रही है एक्सपीरियंस, उस चीज़ से क्यों टेंशन ले रहे हो यार, अपना काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करो और पढ़ाई करते रहोगे तो कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे लाइफ में. और यूँ सोचोगे यार ठीक है बहाना मिल गया हमें, 3 year एक्सपीरियंस नहीं, छोड़ अब नहीं पढ़ते, तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, बच के रहो और अपनी प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से. ठीक है, चलिए, ऑफ फॉर द बेस्ट एंड विश यू ए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपका माइंड ज़्यादा डाइवर्ट ना हो. और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, करंट अफेयर की वीडियो फिर आएगी आपकी, कॉन्टीन्यूटी में करंट अफेयर चल रहे हैं आपके 1 दिसंबर से लेके आज तक 8 जनवरी तक हो गई है, तो ये कॉन्टीन्यूटी हम चाहते हैं बरकरार रहे. आप भी थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और कुछ सजेशन्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, सी यू, बाय बाय.